हेलो फ्रेंड्स, प्रदीप समेले क्लासेस में आपका स्वागत है। ये मैथ्स का क्लास टेंथ का रियल नंबर चैप्टर के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं। और ये इसमें हमने दो एमसीक्यूज एक साथ लिए हैं, इसमें मैं बहुत सारे एमसीक्यूज कराने वाला हूँ। इसमें दो एमसीक्यू इसलिए एक साथ लिए हैं, ये जो है एक ही साथ में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर सम इंटीजर एम एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, और फिर चार ऑप्शन दिए हुए इस तरह से। इसी तरह क्वेश्चन टू है, फॉर सम इंटीजर क्यू एवरी ऑड इंटीजर, तो यहाँ इवन इंटीजर का है या ऑड इंटीजर का है, इन द फॉर्म ऑफ, और चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम इवन, अगर वो इवन इंटीजर है तो वो किस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है इन चार में से, और अगर वो ऑड इंटीजर है तो उसे किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है इन चारों में से, ए बी सी डी में से। तो इस तरह से निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करेंगे। सो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है फ्रेंड्स, कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम इस तरह से ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर ए बी क्यू एंड आर द इंटीजर्स, और इसकी कंडीशन क्या है कि वेन R is greater than or equal to zero, बड़ा है या बराबर है जीरो के, और lesser than b, और b से छोटा होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है। अब हम इसमें, अगर हम इसमें यहाँ पे b is equal to मान लो 2 ले लेते हैं, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे for b is equal to 2। अब b is equal to 2 ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, a is equal to, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2q plus r, ये हो जाएगा, ठीक है। a is equal to क्या हो जाएगा 2q plus r, ठीक है। तो यहां पे देखें, यहां पे कंडीशन क्या लग जाएगी, वेयर क्या लग जाएगा, कंडीशन लग जाएगी r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, बट लेसर देन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि यहां पे हमने b की जगह क्या ले लिया फ्रेंड्स, 2 ले लिया। देखिए यहां पे a इज इक्वल टू b की जगह हमने 2 ले लिया, 2q plus r, तो ये कंडीशन लग जाएगी। तो r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो और बट लेसर देन 2। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि r की रेंज क्या होगी, r की वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स, r की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, 2 तो हो नहीं सकती क्योंकि लेसर देन 2 है, ठीक है। तो r की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। तो अब हम यहाँ पे कंडीशन रख लेते हैं कि इफ, अगर हम लिख लें यहाँ पे कि इफ r इज इक्वल टू 0, अगर r इज इक्वल टू 0 है तो क्या होगा फ्रेंड्स, तो r इज इक्वल टू 0 है तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 2q, क्योंकि r इज इक्वल टू 0 है तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 2q, क्योंकि प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा। और अगर r इज इक्वल टू 1 है, अगर r इज इक्वल टू 1 है तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2q और प्लस r की जगह क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 हो जाएगा, करेक्ट। तो ये दो चीजें बन गई हमारी। इसका मतलब ये है कि ये 2 का मल्टीपल है, और जब 2 का मल्टीपल होता है फ्रेंड्स तो ये क्या होता है, इवन नंबर होता है। अब देखिए इन दो स्टेटमेंट से जब हम पूरी जो है इंटीजर फैमिली को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो अगर ये इवन के लिए है तो ये इसके किसके लिए हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑड के लिए हो जाएगा। अब चलिए हम देख लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे q की वैल्यू 1 रखते हैं, अगर हम इस यहाँ पे क्यू की वैल्यू 1 रखते हैं तो a इज इक्वल टू क्या होगा, 2 बंदा 2, तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसी प्रकार अगर हम q की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 टू द 4, यानी a की वैल्यू 4 हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं तो 3 टू द 6, a की वैल्यू 6 हो जाएगी। सो लाइक दैट, ये क्या है 2, 4, 6, इसी तरह 8, इसी तरह लाइक दैट आता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 2, 4, 6 क्या है, इवन नंबर है। तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा, इसका मतलब ये इवन इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ये क्या कर रहा है, इवन इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये वाला a इज इक्वल टू 2q प्लस 1, और 2q प्लस 1 है तो अगर यहाँ पे हम q की वैल्यू 1 रखते हैं तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 2 बंदा 2 प्लस 1 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम 2 रखते हैं तो 2 टू द 4 प्लस 1 5, तो a इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। और अगर यहाँ पे हम 3 रखते हैं तो 3 टू द 6 प्लस 1 7, यानी a इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये इवन इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला स्टेटमेंट जो है वो ऑड इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सीधा सीधा मतलब हो गया इसका। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो हम इवन की बात कर रहे हैं तो यहां पे a इज इक्वल टू 2q सेटिस्फाई करेगा। अब हम इसमें देखें फ्रेंड्स, a
ए इज इक्वल टू टू क्यू कहाँ है, यहाँ तो टू एम है, तो यही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है क्यू और एम इस समय टीचर, तो क्यू की जगह एम हो सकता है, एम की जगह क्यू हो सकता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन वन का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन टू में क्या होगा, इसमें हमने ऑड इंटीजर के लिए, तो ऑड इंटीजर के लिए हमने क्या निकाला था फ्रेंड्स, ए इज इक्वल टू टू क्यू प्लस वन, और टू क्यू प्लस वन कहाँ है, यहाँ पे डी ऑप्शन है, सो डी इज द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। एन स्क्वायर माइनस वन इज डिविजिबल बाय एट इफ एन इज, और चार ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। तो अब इनमें देखिए फ्रेंड्स, इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम सी और डी को लेकर चलते हैं पहले, क्योंकि अगर ऑड इंटीजर आया तो सी करेक्ट हो जाएगा, इवन इंटीजर आया तो डी करेक्ट हो जाएगा, और अगर दोनों ही कंडीशन फुलफिल करता है तो अगर वो पॉजिटिव होगा तो नेचुरल नंबर हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो इंटीजर हो जाएगा। तो हम सी और डी से चेक करेंगे, ज्यादा बेटर होगा। तो सी और डी के लिए हम क्या करेंगे, एक इवन के लिए ले लेते हैं, एक ऑड के लिए लेते हैं। तो हमने इवन के लिए अभी क्वेश्चन वन और टू में क्या कंडीशन देखी थी फ्रेंड्स, टू क्यू, टू क्यू हम इवन के लिए ले लेते हैं, और टू क्यू प्लस वन हम ऑड के लिए ले लेते हैं। ठीक है, टू क्यू प्लस वन क्या करेंगे, हम ऑड के लिए ले लेते हैं, ये ऑड नंबर के लिए लेते हैं। ठीक है, टू क्यू प्लस वन अभी हमने चेक किया था क्वेश्चन नंबर वन और टू जो हमने बताया था, तो उसमें टू क्यू प्लस वन रख लिया था ऑड के लिए। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, हमें कंडीशन क्या सेटिस्फाई करनी है कि ए इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस वन विच इच इज डिविजिबल बाय एट और नॉट, है ना, एन स्क्वायर माइनस वन इज डिविजिबल बाय एट। सो हम ए इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस वन, अब हम अगर यहाँ पे टू क्यू लेते हैं एन की जगह, एन की जगह टू क्यू लेंगे फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा, टू क्यू का होल स्क्वायर माइनस वन, यानी कितना हो जाएगा ये, फोर क्यू स्क्वायर माइनस वन। अब फोर क्यू स्क्वायर माइनस वन हो गया, और इसमें अगर हम कंडीशन रखते हैं, इसमें मान लीजिए क्यू की जगह हम वन रखते हैं, यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू हम रख देते हैं वन, जब क्यू इज इक्वल टू वन रखेंगे तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा फ्रेंड्स, देखिए चेक करिए, वन का स्क्वायर वन हो गया, फोर वन दा फोर, और फोर में से वन गया तो क्या आया, थ्री आया, तो ए इज इक्वल टू थ्री हो गया फ्रेंड्स। अब इसी तरह अगर हम इसमें क्यू इज इक्वल टू टू रखते हैं तो क्या होगा, इसमें ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू का स्क्वायर टू टू द फोर, फोर फोर द सिक्सटीन, सिक्सटीन में से बन गया फिफ्टीन, यानी ए इज इक्वल टू फिफ्टीन आ गया। क्यू इज इक्वल टू थ्री रखते हैं, थ्री थ्री द नाइन, नाइन फोर द थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स में से बन गया तो कितना बचा, थर्टी फाइव, तो यानी ए इज इक्वल टू थर्टी फाइव, करेक्ट। अब इसमें देखिए आप, क्या थ्री एट से डिविजिबल है, क्या फिफ्टीन एट से डिविजिबल है, क्या थर्टी फाइव एट से डिविजिबल है, लाइक दैट हम कितना भी करते जाए आगे ये एट से डिविजिबल नहीं होगा, यानी हमारा ये चीज तो नहीं हो सकता, तो ये तो हमारा इवन तो नहीं हो सकता, ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑड के बारे में, ऑड में क्या करेंगे हम, देखिए इसमें भी ऐसे लेंगे, ए इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस वन, अब यहां पे एन की जगह क्या लेंगे हम, वैल्यू लेंगे टू क्यू प्लस वन, और इसका करेंगे होल स्क्वायर माइनस वन, इसमें ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा फोर क्यू स्क्वायर प्लस फोर क्यू और प्लस वन, और ये माइनस का वन, तो माइनस वन और प्लस वन तो कैंसल हो गया यहां पे फ्रेंड्स, और हमारे पास क्या बचा, फोर क्यू स्क्वायर प्लस फोर क्यू। अब फोर क्यू स्क्वायर प्लस फोर क्यू बचा ये, अब इस पे हम देखते हैं, इसमें वैल्यूज रख के देखते हैं, तो फोर क्यू स्क्वायर प्लस फोर क्यू में अगर हम वैल्यू रखते हैं यहां पे क्यू इज इक्वल टू वन, सो देन ए की वैल्यू क्या होगी, अब देखिए क्यू इज इक्वल टू वन, वन का स्क्वायर वन, फोर वन दा वन, फोर वन दा फोर, फोर इधर आ गया और फोर इधर आ गया, फोर वन दा फोर, फोर प्लस फोर कितना हो गया, एट हो गया। अगर हम क्यू की जगह टू रखते हैं तो टू टू द फोर, फोर फोर द सिक्सटीन, और इधर क्या होगा, फोर टू द एट, सिक्सटीन और एट ट्वेंटी फोर हो जाएगा, तो फ्रेंड्स यहां पे ए इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर आ जाएगा। अगर हम क्यू की जगह थ्री रखते हैं तो थ्री थ्री द नाइन, नाइन फोर द थर्टी सिक्स, और थर्टी सिक्स और यहां पे कितना हो जाएगा, फोर थ्री द ट्वेल्व, और थर्टी सिक्स और ट्वेल्व कितना हो जाएगा, थर्टी सिक्स प्लस ट्वेल्व कर लीजिए, थर्टी सिक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू हो जाएगा अपना फोर्टी एट, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा फोर्टी एट, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्टी एट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि एट वन द एट, एट से डिविजिबल है, एट थ्री द ट्वेंटी फोर, ये भी एट से डिविजिबल है, और एट सिक्स द फोर्टी एट, इसका मतलब ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रही है, और जब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है इसका मतलब क्या हुआ कि इसका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर फोर, इफ द एससीएफ ऑफ 65N117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65M-117, देन द वैल्यू ऑफ एम इज, और चार ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें फ्रेंड्स। तो ये हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो 65 और 117 का हम एससीएफ निकालते हैं। तो एससीएफ निकालने की फ्रेंड्स सबसे अच्छी बेस्ट तो ये है कि 65 से सबसे पहले 117 को डिवाइड कीजिए। कितने टाइम, टू टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, वन टाइम जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, टू हो गया, और यहाँ पे क्या आएगा, 11 में से 6 या 5 बचा। अब 52 से 65 को डिवाइड करेंगे, और 65 को डिवाइड करेंगे तो ये वन टाइम जाएगा, और 52 यहाँ पे आया तो यहाँ पे कितना बचा, 3 और 1 13 आया। अब 13 से 52 को डिवाइड करेंगे, मतलब इस तरह से लाइक दैट हम करते जाते हैं। तो 13 4 द 52, तो ये पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये लास्ट डिवाइजर जो बचा, ये लास्ट डिवाइजर क्या है, 13। सो 13 इज द लास्ट डिवाइजर, सो एचसीएफ कितना हो गया फ्रेंड्स, एचसीएफ इज इक्वल टू 13, यानी एचसीएफ इज इक्वल टू हमारा 13 हो गया। यहाँ अलग से लिख देते हैं, एचसीएफ 13 हो गया। अब वो कह रहा है कि ये जो है इसका और इसका एचसीएफ इन द फॉर्म ऑफ 65M-117 है। तो अगर ये इस फॉर्म में है, इसका मतलब क्या हुआ कि 65M-117 इज इक्वल टू कितने के बराबर होना चाहिए, 13 के बराबर होना चाहिए। तो 13 के बराबर होना चाहिए, तो 65M इज इक्वल टू 13, और इधर क्या होगा, प्लस में आ जाएगा, माइनस से इधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ये 117 प्लस 13 कितना हो गया, 130 हो गया। तो 65M इज इक्वल टू 130, दैट मीन्स M इज इक्वल टू 130 अपॉन 65 टू द 130, तो M इज इक्वल टू 2 आ गया फ्रेंड्स, और M इज इक्वल टू 2 आ गया। सो कह रहा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M, सो M इज इक्वल टू 2, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 and 125 लीविंग रिमाइंडर 5 and 8 रिस्पेक्टिवली इज, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। वो कह रहा है लार्जेस्ट नंबर है, वो लार्जेस्ट नंबर यानी रिक्वायर्ड नंबर जो है वो अगर 70, उससे अगर 70 और 125 को डिवाइड किया जाता है तो लीविंग रिमाइंडर, रिमाइंडर छोड़ देता है वो 5 and 8 रिस्पेक्टिवली। यानी अगर रिक्वायर्ड नंबर से 70 को डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर बचता है 5, और फ्रेंड्स अगर हम रिक्वायर्ड नंबर से 125 को डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर बचता है 8। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि क्यों ना हम 70 में से 5 माइनस कर दें, तो रिमाइंडर माइनस किया तो हमारे पास बचा 65। और इसी तरह हम 125 में से अगर हम 8 माइनस कर दें तो यहां पे हमारे पास कितना बचा, 117। सो 117 नंबर बचा। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि ये जो नंबर हैं, ये रिक्वायर्ड नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होने चाहिए, ये रिक्वायर्ड नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 65 और 117 का एचसीएफ लेना है। क्या करना है हमें, 65 और 117 का एचसीएफ लेना है फ्रेंड्स। 65 और 117 का क्वेश्चन नंबर 4 में हमने एचसीएफ लेने का बताया था, ठीक। लेकिन चलिए फिर से एक बार बता देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। इसमें क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 65 को यहां लिखा और इधर 117। अब 65 से 117 को डिवाइड करेंगे, वन टाइम जाएगा, टू टाइम ज्यादा हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पे क्या बचा फ्रेंड्स, 52 बचा। 52 से अब हम इस 65 को डिवाइड करके देखेंगे, 65 से 52 से डिवाइड किया, 52 बंदा 52, टू टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, रिमाइंडर यहां पे कितना बचेगा, रिमेनिंग कितना बचेगा, बैलेंस कितना बचेगा, 13 बचेगा। और 13 से अब इसको 52 को डिवाइड करेंगे तो 13 4 द 52, जहां पे जीरो आ जाता है, व्हेन रिमाइंडर जीरो, तो उसके ऊपर यहां पे जो लास्ट नंबर जो बचा, लास्ट डिवाइजर जिसको कह सकते हैं, ये लास्ट डिवाइजर जो बचा, लास्ट डिवाइजर, सो ये लास्ट डिवाइजर क्या बचा फ्रेंड्स, ये दैट इज 13। सो आंसर क्या आ गया यहां पे, एचसीएफ इज इक्वल टू 13 आ गया। कितना आ गया फ्रेंड्स, एचसीएफ इज इक्वल टू 13 आ गया, यानी हमारा एचसीएफ इज इक्वल टू 13, अच्छे से लिख देता हूं, एचसीएफ इज इक्वल टू 13 आ गया, तो हमारा ये क्वेश्चन का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटन एज
ए इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय वाई की पावर 2 एंड बी इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब वेयर एक्स वाई आर प्राइम नंबर्स, देन एस सी एफ ए बी इज, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से निकालना है। तो हम क्या है, हमें पता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सो यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एस सी एफ क्या होता है, एस सी एफ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो अब हम देखते हैं यहां पे, हम सबसे पहले लिख लेते हैं एच सी एफ जो क्वेश्चन पूछा है, एस सी एफ ए बी। सो ए की वैल्यू कितनी है, एस सी एफ ए बी, ए की वैल्यू दी हुई है हमें फ्रेंड्स यहाँ पे एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और यहाँ पे बी की वैल्यू दी हुई है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक्स ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, एक्स की पावर 3 वाई स्क्वायर, और बी की वैल्यू दी हुई है हमें क्या, एक्स वाई की पावर 3। तो अब देखिए यहाँ पे कॉमन जो नंबर्स हैं, तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक तो इसमें एक्स है और एक वाई है। अब इसकी हमें क्या करना है, एक्स और वाई की स्मॉलेस्ट पावर लगानी है। सो स्मॉलेस्ट एक्स की पावर 3 और इधर क्या है, एक्स की पावर 1, तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या हुई, एक्स की पावर 1, यानी एक्स की पावर 1 ये लिखा हुआ है ऑलरेडी। और वाई में क्या हुआ, वाई स्क्वायर और वाई क्यूब में स्मॉलेस्ट क्या है, वाई क्यूब और वाई स्क्वायर में स्मॉलेस्ट क्या है फ्रेंड्स, वाई स्क्वायर स्मॉलेस्ट है। तो यहां पे आ जाएगा, यहां पे वाई की पावर 2, यानी इसका ये एक्स वाई स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो गया, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसको आप आसानी से कर सकते। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स पी एंड क्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर एंड क्यू इज इक्वल टू ए क्यू बी वेयर ए बी बीइंग प्राइम नंबर्स, देन एलसीएम पी क्यू इज, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, फोर ऑप्शन है, इसमें एलसीएम निकालना है फ्रेंड्स। तो एलसीएम क्या है, वही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि एलसीएम क्या है, एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर। तो सबसे पहले तो हम इसको लिख लेते हैं कि यहाँ पे पी की वैल्यू, पी क्या दिया है, ये प्राइम नंबर्स हैं, पी की दिया है, पी क्या दिया है, ए बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्यू क्या दिया हुआ है, क्यू हमें दिया हुआ है ए क्यूब और बी। अब इसको हम देखें तो हमने, जैसा कि हमें पता है कि एलसीएम हमें निकालना है, एलसीएम पी क्यू निकालना है, तो एलसीएम पी क्यू कितना हो जाएगा, देखिए एलसीएम पी क्यू इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर यानी ये ए है और बी है, इसमें दो ही है, ए का ग्रेटेस्ट पावर क्या है, इन दोनों में ग्रेटेस्ट पावर है ए की पावर 3, और बी का ग्रेटेस्ट पावर क्या है, इन दोनों में बी का ग्रेटेस्ट पावर है बी की पावर 2, यानी ये हो गया हमारा एलसीएम। तो हमारा ये एलसीएम क्या हो गया, ए क्यूब बी स्क्वायर, और ए क्यूब बी स्क्वायर देखें फ्रेंड्स इसमें कहां पे आ रहा है, ऑप्शन सी में। सो यहां पे क्वेश्चन सी का, क्वेश्चन 7 का सी एमसीक्यू ये करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, वैसे तो हमें पता ही होता है कि जब नॉन जीरो रेशनल और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हम करते हैं सो इट शुड बी ऑलवेज इरेशनल, लेकिन फॉर एग्जांपल हम आपको समझाने के लिए कुछ नंबर्स ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए रेशनल नंबर हमने ले लिया 2 और उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम इरेशनल नंबर √3 से, तो इसका आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स, 2√3, सो इट इज इरेशनल, इट इज इरेशनल। तो अब यहां पे हम आई लिखते जा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगी इरेशनल के लिए आई है। इसी तरह अगर हम एक और ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 2/5, एक रेशनल नंबर ले लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम √5 से, तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, यहां पे ये 2/5 √5 ये क्या होगा, इरेशनल होगा, क्योंकि यहां पर √5 से मल्टीप्लाई है, 2√5 मल्टीप्लाइड बाय √5, तो ये इरेशनल है। अगर हम इसको और आगे देखें -2/7 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं √13 से, कितने से, √13 से, तो √13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, यहां पर हो जाएगा माइनस
टू अपॉन सेवन और रूट 13, तो ये भी हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो इसमें ये क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा इट इज ऑलवेज इरेशनल, क्योंकि एक रेशनल और एक इरेशनल ले रहे हैं तो हमेशा ये इरेशनल ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका क्वेश्चन 8 का ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखना है इसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा इरेशनल होता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव, दोनों ही इंक्लूसिव है, मतलब 1 को भी लेना है 10 को भी लेना है, 1 से लेके 10 तक के सारे नंबर्स लेने हैं, और लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय, देखिए फ्रेंड्स डिविजिबल बाय होता है तो तब हम गैस कर सकते हैं कि ये एलसीएम ही है। ठीक है, लीस्ट नंबर भी लिखा हुआ है इसमें, इसका मतलब इसमें 1 से लेके 10 तक के फैक्टर्स निकालने हैं और या फैक्टराइज करना है उनको और उसके बाद में उसका एलसीएम निकालना है। तो इसको हम सबसे पहले कर लेते हैं, तो 1 का तो फ्रेंड्स 1 ही रहेगा, 1 इंटू 1 या 1, 2 का क्या होगा 1 इंटू 2 यानी 2, 3 का क्या होगा 1 इंटू 3 यानी 3, 4 का क्या होगा 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 2। ठीक है, 5 का क्या होगा 1 इंटू 5 यानी 5, 6 का क्या होगा 2 इंटू 3, 7 का क्या होगा 1 इंटू 7 यानी 7, और 8 का क्या होगा 2 टू द 4 टू द 8 यानी 2 की पावर 3, ये ध्यान रखना है। ठीक है, 9 का क्या होगा फ्रेंड्स 3 की पावर 3 की पावर 2, 3 3 द 9 3 की पावर 2, तो ये हो गया 9 का, और 10 का क्या होगा 2 इंटू 5, 2 5 द 10, 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो इस तरह से हमने फैक्टर निकाल लिए, अब हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम की फ्रेंड्स क्या डेफिनेशन है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो अब यहां पे हम लिख लेते हैं सारे सारे के सारे लिख लेते हैं, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें 1 लिखें या ना लिखें ये आपके ऊपर है। ठीक है, अब 2 से लिखें तो 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 की पावर 3, क्योंकि वो कह रहा है क्या ग्रेटेस्ट पावर, सो ग्रेटेस्ट पावर यानी 2 की ग्रेटेस्ट पावर है 3, तो 2 की पावर 3 कर दिया, उसके बाद 3 को ले लेते हैं अपन, सो मल्टीप्लाइड बाय 3, और 3 की पावर फ्रेंड्स ग्रेटेस्ट पावर क्या है 2 है पावर यहां पे, तो 3 की पावर 2 ले लिया हमने। उसके बाद में फिर इसके बाद क्या है 5 है नंबर, तो 5 की पावर मैक्सिमम 1 ही है, तो इसलिए हमने 5 को 5 लिख दिया। उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद में क्या आ रहा है फ्रेंड्स, उसके बाद 5 के बाद में क्या आ रहा है 7 आ रहा है, तो इनटू 7, 7 की पावर भी 1 ही रहेगी। तो यानी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 टू द 4 टू द 8, और यहां पे कितना हो जाएगा 3 3 द 9, ठीक है, और ये हो गया इनटू 5 और इनटू 7। अब इसको कर लीजिए 85 द 40 और मल्टीप्लाइड बाय 97 द 63, सो दैट इज यहां पे 0 का 0 आ जाएगा, 43 द 12, 1 आया कैरी, 46 द 20, 4 और 1 25, यानी आंसर क्या आ गया 2520, सो एलसीएम इज 2520, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 14587 अपॉन 1250 विल टर्मिनेट आफ्टर, और इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस, 4 डेसिमल प्लेसेस, तो इस तरह से चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखिए सबसे पहले हम ये देखें कि टर्मिनेट कब होता है, कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेट कब होगा, कब होगा जबकि देन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to the power m multiplied by 5 raised to the power n। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका जो डिनोमिनेटर है, ये ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला क्या है डिनोमिनेटर, सो इसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, या तो मल्टीपल डिनोमिनेटर 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 या तो मल्टीपल ऑफ 2 के रूप में होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 2 और मल्टीपल ऑफ 5 और बोथ दोनों के रूप में, तीनों में से कोई भी शक्ल में हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 2 और मल्टीपल ऑफ 5 और बोथ यानी 2 और 5 दोनों ही, इसका मतलब ये हुआ। तो यहां पे m और n जो हैं वो क्या होते हैं, m और n यहां पे नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, ये जीरो तो हो सकता है
2 की पावर 0 हो सकती है या 5 की पावर 0 हो सकती है, लेकिन ये माइनस में नहीं हो सकता, पॉजिटिव हो सकता है, यानी ये होल नंबर के फॉर्म में होगा। तो ये एक पहचान है। तो अब देखिए हम इसका डिनोमिनेटर, मतलब हमें इसके डिनोमिनेटर से देखना है कि इसकी कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद में ये टर्मिनेट होगा। तो इसको क्या करेंगे हम, डिनोमिनेटर का यानी 1250 का हम इसमें निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2 से डिवाइड किया तो 26 दा, 22 दा, 25 दा। अब यहाँ पे 5 से किया तो 51 दा, 52 दा, 55 दा। फिर 5 से किया तो 52 दा, 55 दा, और फिर 5 से किया तो 55 दा, और फिर 5 से किया तो 51 दा। यानी इसके फैक्टर क्या आ गए फ्रेंड्स, इसके फैक्टर आ गए 1250, यानी इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं 2 × 5⁴ के रूप में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ऊपर तो ये कुछ भी संख्या है, जो भी संख्या है 14587, और इसके नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 2 × 5⁴ है। तो इनमें 2 और 5 में जो मैक्सिमम पावर है उतने ही डिजिट्स बाद ये टर्मिनेट करेगा। यानी यहाँ पे 2 की पावर 1 है और 5 की पावर 4 है। इसका मतलब हमें यहीं से आंसर पता चल जाता है कि इसमें क्या होगा, ये जो है विल टर्मिनेट आफ्टर 4 decimal places। वैसे चाहे तो आप इसको लगा के कैलकुलेट करके देख सकते हैं, क्योंकि इसको अगर हम पूरा करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 14587, और इसमें हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 3, और यहाँ पे 2 × 5⁴ और 2 की पावर 3। तो ये कितना हो जाएगा 14587 और 2 की पावर कितना हो जाएगा 3, और अपॉन में ये आ जाएगा 5 to the 10, यानी 10 की पावर 4, यानी ये क्या हो गया 10,000 हो गया। तो अपॉन में 10,000 आया, मतलब डेसिमल कितने प्लेसेस के बाद होगा 1, 2, 3, 4। इसको कैलकुलेट करने के बाद इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 to the 4 to the 8, और 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें 4 digit के बाद में डेसिमल लगा देंगे। सो 4 decimal places के बाद लगेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह की MCQs आपको देता रहूंगा, और फ्रेंड्स मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और इसमें कमेंट भी दें, कमेंट देना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।